In this video, we will discuss the chapter 1st of class 11th chemistry, that is some basic concept of chemistry. सबसे पहले इसमें कुछ basic terms आती हैं जैसे कि science. What question बनता है? What is science? The systemized knowledge based on observation, experiments and reasoning is termed as science. Next is what is chemistry? It is a branch of physical science which deals with the study of matter, its physical and chemical properties, its chemical composition and the physical and chemical changes. Next is chemistry का division. Chemistry को mainly two parts में divide किया हुआ है. First is pure chemistry, second applied chemistry. Pure chemistry को फिर subdivided किया हुआ है. First organic chemistry, second inorganic chemistry, third physical chemistry and fourth analytical chemistry. और जो applied chemistry है उसके example है polymer chemistry, drug chemistry, fertilizer chemistry और extra. फिर next एक definition है weight. What is weight? The force which an object is attracted towards earth is known as weight. Formula इसका W is equal to mg. Next is what is matter? Anything which occupies space and have mass is termed as matter. फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास जो मैटर है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन सबको पता है कि मैटर की थ्री स्टेट हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम इन स्टेट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर. नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन. सबसे पहले तो इसमें मिक्सचर्स, मिक्सचर्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर. फिर आते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ये भी टू टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट. फिर कंपाउंड को सब डिवाइडेड किया हुआ है इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फिर सबकी डेफिनेशन एक एक करके करते हैं. सबसे पहला आता है एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन, द प्योर सब्सटेंस डेट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल चेंजेस इज नोन एज एलिमेंट. सेकेंड इज कंपाउंड्स डेफिनेशन, वेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास द मोलिकुल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स. एग्जाम्पल H2O, मतलब कि H2O कैसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर. इसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो दोनों कंबस्टिबल गैस है, लेकिन जो वाटर है वो इनकम्बस्टिबल है. तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी हुई वो डिफरेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी से. फिर नेक्स्ट आता है इसमें मिक्सचर्स. मिक्सचर्स का मतलब मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस आइदर एलिमेंट और कंपाउंड और बोथ इन एनी रेशियो आर नोन एज मिक्सचर्स. इसको फिर टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है. फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, द सब्सटेंसेस आर मिक्सड यूनिफॉर्मली टू माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन. सेकेंड पार्ट इसका मिक्सचर्स का सेकेंड पार्ट हेटरोजीनियस मिक्सचर्स. ये होते हैं, इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सचर एंड हैव टू और मोर फेस, फॉर एग्जाम्पल सैंड सोल्यूशन. सैंड का सोल्यूशन है, उसमें हमें सैंड के पार्टिकल्स और वाटर दोनों अलग अलग ऑब्जर्व होते हैं. फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें सबसे पहला है, मतलब सिक्स लॉज हैं, मैं सब बता देता हूँ. पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिफ्थ इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास, सिक्स्थ इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसकी डेफिनेशन है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. मतलब मास कैन नाइदर, इसका मतलब ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनादर. मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट का मास होगा, रिएक्टेंट का जो मास है, जब उसकी रिएक्शन होगी तो जो बाद में हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा उसका भी मास रिएक्टेंट के इक्वल ही होगा. फिर सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इसकी डेफिनेशन भी और इसमें से न्यूमेरिकल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी डेफिनेशन है, पहले अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो नो मैटर हाउ इट इज प्रिपेयर. मतलब कि
एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा कंपाउंड होगा वो हमेशा सेम एलिमेंट और के कंपाउंड एलिमेंट से बना होगा और वो फिक्स रेशन रेशो में कंबाइन होंगे। वो ये मैटर नहीं करता कि हमने उसे कैसे ऑब्टेन किया या कैसे बनाया। फॉर एग्जांपल हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब हम कई तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे CaCO3 का डिकम्पोजिशन करके, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के, या फिर NaHCO3 का डिकम्पोजिशन करवा के। लेकिन जो इसमें हर बार CO2 बनेगी उसका उसमें जो C और O का रेशो होगा वो हर बार सेम रहेगा, जो कि है 3:8। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं और इसकी डेफिनेशन भी। तो डेफिनेशन है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डेट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाटर में एच के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम, फिर H2O2, फिर इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के फिर 2 एटम्स। जो इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन के तो एटम्स सेम है और ऑक्सीजन के डिफरेंट है, जो डिफरेंट वाले के हैं अगर उनका हम रेशो निकालते हैं तो उसका रेशो आता है 1:2, जो कि एक सिंपल रेशो है। यही ये एक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ है। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वैसे तो NCERT में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। वेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंड विद टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी टू फॉर्म टू कंपाउंड्स एंड इफ बी एंड सी ऑल्सो कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड देर देन देयर कंबाइनिंग मासेज आर इन सेम प्रोपोर्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई हमारे पास एलिमेंट है H, उसके साथ दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं Na और Cl फॉर्म करते हैं NaH और HCl। तो इन दोनों में जो Na और Cl का रेशो होगा वो ही Na और Cl जो आपस में रिएक्ट करेंगे इन दोनों का रेशो बिल्कुल सेम होगा। फिफ्थ लॉ इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, गैसियस रिएक्ट विद ईच अदर इन अ सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट दिस विल ऑल्सो बियर अ सिंपल रेशो विद द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। और व्हेन मेजर एट STP, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन मेजर एट STP, ये मतलब इसकी डेफिनेशन में ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना पड़ेगा। सिक्स्थ आता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। इसकी डेफिनेशन, इन ऑल केमिकल रिएक्शन सब्सटेंसेस ऑलवेज रिएक्ट इन द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस, दिस इज अ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास। फिर एक एक्स्ट्रा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। इसकी डेफिनेशन, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट। ये तो 9th से भी पढ़ते आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इसमें मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज़ अ नंबर विच टेल्स डेट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसमें AMU इसकी यूनिट होगी, AMU मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट, उसकी शॉर्ट फॉर्म ही होगी U मतलब यूनिफाइड मास। फिर वन मोल की डेफिनेशन है, अ मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। फिर जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी वैल्यू है 6.022 × 10⁻²³। मेनली इस चैप्टर से न्यूमेरिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे फॉर्मूले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सेकंड, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर मीन्स Na। थर्ड इज मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटोमिक मास अपॉन Na इन विच Na इज एवोगैड्रो नंबर। सब में यही होगा। फोर्थ इज मास ऑफ वन मोलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास अपॉन Na। फिफ्थ इज नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन एटोमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। सिक्स्थ इज नंबर ऑफ मोल्स एट STP इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। सेवन्थ इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। एट्थ इज एवरेज एटोमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज समीशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इंटू एटोमिक मास अपॉन 100।
और एट्थ नाइन्थ इज ये उसका सेकेंड फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समीशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स। टेंथ इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इंटू 100। नेक्स्ट इज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और नेक्स्ट इज मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, इन विच एन की जो वैल्यू है वो है एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये जो लास्ट मोलैरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी का सिंबल है कैपिटल एम, और इसका फॉर्मूला एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और जो उसका वैसे सिंपल फॉर्म में W अपॉन M अपॉन वॉल्यूम इंटू लीटर, ये इसके सिंबल्स वाला है, मेनली तो एक ही यही है। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 इन विच M इज मोलैरिटी एंड V इज वॉल्यूम। फिर एक ये है लॉ ऑफ डाइल्यूशन, मतलब M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRVR, इन विच जो VR की वैल्यू होगी वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगी। नेक्स्ट इज मोलैलिटी, इसका सिंबल है स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। इसका एक मोलैरिटी जो है मोलैरिटी, उसका एक सेकेंड फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला है सिंपल, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इन विच ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। फिर इसमें इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज। फिर इसका भी एक प्रॉपर्टी है N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इन विच N इज नॉर्मेलिटी एंड V इज वॉल्यूम। नेक्स्ट इज मोलैरिटी और डेंसिटी में रिलेशन, वो है मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। फिर है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, उसमें रिलेशन है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन M1 इन विच M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मतलब कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन है स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 प्लस मोलर मास। फिर एक एटॉमिक मास और इस का फॉर्मूला है सिंपल, इसका वैसे कोई यूज़ तो है नहीं इस चैप्टर में ज़्यादातर, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ये आगे कहीं पर और जगह यूज़ कर सकते हैं, इस वाले चैप्टर में तो ज़्यादा खास इसका है नहीं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक इज मोल फ्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन वो है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज नोन एज इट्स मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला है X1 मतलब कोई फर्स्ट कंपाउंड है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है इज इक्वल टू Na मतलब उस Na कंपाउंड के मोल्स अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc डैश डैश जितने भी होंगे, मतलब नीचे होगा टोटल मोल्स और ऊपर जिसके हम निकाल रहे हैं वो होगा मोल फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, उसका है फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू स्मॉल n, इन विच स्मॉल n इज टोटल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज और या फिर उसकी जो वैलेंसी होगी। फिर कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स मोलैरिटी, ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और सेकेंड इज मोलैलिटी, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज इज मोलैलिटी, और ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और नेक्स्ट इज इम्पेरिकल फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मोलिकुल ऑफ सब्सटेंस, एग्जाम्पल CH इज अ इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट इज मोलिकुलर फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मोलिकुलर
one molecule. For example, C6H6 is a molecular formula of benzene. ये दो definition है इनके इनसे इन topic से numerical है empirical formula निकालने का और molecular formula निकालने का, वो भी बहुत important है. फिर next is limiting reagent. उसकी definition, reactant which is completely consumed in the reaction is known as limiting reactant. Next is excess reactant. उसकी definition, the reactant which is not completely consumed is referred as excess reactant. इन दो इन ये इनके ऊपर भी numerical है, NCERT में भी है, अच्छे numerical है. एक फिर relation आता है सेंटीग्रेड और फेरानाइट में. इसमें रिलेशन F-32/9 इज इक्वल टू C/5. इसका सिंपली कहीं पर भी यूज कर सकते हैं हम. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट -40 डिग्री बोथ आर सेम. मतलब F-40 डिग्री पे एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस और फेरानाइट की वैल्यू इक्वल होगी. फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपल से बहुत छोटे छोटे टाइप से के लेकिन है इंपॉर्टेंट. इसमें टैक्सोल, इट इज इफेक्टिव इन कैंसर. AZT, इट इज इफेक्टिव इन एड्स. फिर मोल फ्रैक्शन. सो ये तक चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर का पूरा रिवीजन. आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना हो